The locus of point of intersection of lines is a conic whose eccentricity is. तो क्या करना है आपको, बस simplify करना है इन दोनों lines को. Root 3 kx plus ky minus 4 root 3 equals to 0. और एक है root 3x minus y minus 4 root 3 k equals to 0. तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको k से multiply कर देते हैं. k से मल्टीप्लाई करके एक बार ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो ऐसा आएगा 2 रूट 3 के एक्स के वाई माइनस के वाई कैंसल इक्वल्स टू 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 के स्क्वायर. तो यहां से मैं x की वैल्यू क्या बोल सकता हूं, देखो 4 रूट 3 के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 इंटू के. तो रूट 3 कैंसल, ये 2, तो x की वैल्यू ऐसी आ गई क्या, 2 इंटू के प्लस 1 बाय के, ये x आ गया. अगर इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते वही k से मल्टीप्लाई के बाद, तो x वाला टर्म कैंसल और ऐसा आ जाता 2 के y इक्वल्स टू 4 रूट 3 और ये माइनस माइनस प्लस उधर जाके फिर से माइनस माइनस 4 रूट 3 के स्क्वायर. तो y की वैल्यू ऐसा आ जाती, 2 तो कैंसल हो गया, 4 रूट 3 1 माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के, 2 कैंसल करेंगे तो 2 रूट 3. सो माइनस का 2 रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं के माइनस 1 बाय के. क्लियर, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है. ये दो बड़े फेमस एक्सप्रेशन है, के प्लस 1 बाई के माइनस 1 बाई के. कैसे, k प्लस 1 बाई के का होल स्क्वायर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं या ऐसा बोल दो आप, k माइनस 1 बाई के का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं k प्लस 1 बाई के का होल स्क्वायर माइनस 4 k इंटू 1 बाई के, दैट इज 1. सो ये रिलेशन आ गया. अब यहां से k माइनस 1 बाई के निकाल लीजिए, k प्लस 1 बाई के, k माइनस 1 बाई के क्या था, y by 2 root 3 का negative, उसका square, यानी y square divided by 12 equal to k plus 1 by k, x square by 4 minus 4, 4 इधर भेज दो, x square by 4 minus y square by 12 equals to 4. इसका आपको eccentricity निकालना है, eccentricity will be hyperbola, ये 1 plus b square, that is 12 into 4, डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 4 इंटू 4 कैंसल 3, 1 प्लस 3 4, इसेंट्रिसिटी विल बी 2 यूनिट, यानी ऑप्शन बी. क्लियर, नेक्स्ट.